करने की तैयारी हो गई थी। देखिए गौरव हो गया हमको माँ दादी चाकू के वेलकम बैक टू माय राजस्थानी फैमिली ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं गुरुजी के रैन धाम खेजड़ा सत्संग सुनने के लिए। मेर पापा जी मार और प्रज्ञान साथ में और आंटी जी जा रहे। तो आज है बहुत ही स्पेशल डे क्योंकि आज है मेरे प्रज्ञान का बर्थडे, सेकंड बर्थडे है। और तो फिर पापा जी ने बोला पहले हम सत्संग सुनने जाएंगे और ऐसे गुरुजी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा तो सत्संग भी सुन लेंगे और उसके बाद में फिर शाम को आने के बाद में फिर इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो जो जो आज के दिन होगा वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, तो आप भी मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अब सब रवाना हो रहे, गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं। प्रज्ञान कहाँ जा रहा है? पिप्पी में जा रहा है? विजय सीरियस हो रहा, आज प्रज्ञान का बर्थडे है ना। आज प्रज्ञान 2 ईयर का हो गया, उम्र सो रखी है विजय। प्रज्ञान गाड़ी में बैठने के बाद में थोड़ी देर में सो भी गया था क्योंकि ये आज ही जल्दी उठ गया था मेरे साथ ही। अभी हरियाली देखिए, सावन भादवे का महीना और इतनी ज़्यादा हरियाली मिल रहा है और इतना अच्छा लगता है ऐसे हरी भरी धरती रहती है। तो देखिए कितना सुहावना मौसम रह गया, ना तो इतनी ज़्यादा धूप है। अब हम पहुंच गए और अब करेंगे, पहले कर रहे हैं सब दरियाव जी महाराज के दर्शन। प्रज्ञान हाथ जोड़ो बेटा, हाथ जोड़ो। जिस महीने राम चंद्र जी का वास था उस महीने कई संत ऐसे हैं जो परमात्मा को जाना नहीं मारे थे। तो भगवान राम बजे 4:30 और अब हो गए वापस रैन धाम खेजड़ा से वापस घर के लिए रवाना। और प्रज्ञान को आज इसका इतना स्पेशल डे, इसका बर्थडे है और गुरुजी का आशीर्वाद भी मिल गया और अब हम जा रहे हैं घर के लिए, वापस रवाना हो गए। और देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश है, खेतों के अंदर पानी तक भर के रखा है, हर खेत में पानी भर रखा था, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर। खेजड़ा धाम से वापस घर पे आ गए तो फिर आए, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे प्रज्ञान को, तो इसलिए इसको पहले काफ़ी टाइम तक ये इतना परेशान हो गया, थक चुका था पूरी तरह से और गाड़ी से निकाले थक गया था लेकिन गाड़ी से बाहर नहीं आ रहा था। पापा बड़ी मुश्किल से पोटा के लेके आए इसको। तो अब भैया लेने गए हैं केक, तो हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और नॉर्मल साथ ही करेंगे, वरना पहले सोचा था करेंगे तैयारी वगैरह करेंगे लेकिन इधर चले गए, तो इसलिए
अब बस बलून वगैरह फुलाएंगे और केक वगैरह कटिंग करेंगे, तो वो भी सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। बिल्कुल भी अभी हिम्मत भी नहीं है, सफ़र करके आती हूँ बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं तो, इसलिए अब लेके आ जाए फिर करते हैं सब। फाइनली मेरे प्रज्ञान का केक आ गया, इसको गोविंद भैया कर रहे बर्थडे की तैयारी, और इधर देखिए गौरव और प्रज्ञान को, दोनों के दोनों लगे हुए हैं। गौरव को दे कैसे दर्शन है मामा साने बलून फोड़ दिया दे, अब गौरव फोड़ सी, अब गौरव देख 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 लात की मार रहे थे फोड़ी। ओहो पर क्या क्या से एक बलून फूट गया इसलिए डर रहा है, हाथ ही नहीं लगा रहा इसके। अब करेंगे प्रज्ञान का केक कटिंग, मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह जो आज के दिन खींची थी वो वाले। और हर बार हम बर्थडे सेलिब्रेट ऊपर वाले फ्लोर में करते हैं, लेकिन अब की बार नीचे ही किया है और नॉर्मल सा की किया, क्योंकि जीजी के अभी डिलीवरी होके रखी है तो इसलिए ऊपर तो जा नहीं सकती, इसलिए नीचे ही सेलिब्रेट किया। और नॉर्मल तो इसीलिए किया था क्योंकि आपने वीडियो में देखा उधर प्रज्ञान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, तो इसलिए पूरा थक भी गया था वो, इसलिए बहुत ज़्यादा कर रहा था ना, तो टोपी रख रहा था ना कुछ कर रहा था, बस ऐसे नॉर्मल सा सेलिब्रेट किया। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।